नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु सक्सेना लोकनायक हॉस्पिटल से इमरजेंसी की हेड एंड डीएमएस। आपको कुछ मंकी पॉक्स, आजकल बहुत लेटेस्ट न्यूज चल रही है मंकी पॉक्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक जूनॉटिक डिजीज है, जैसे कि बाकी एनिमल से फैलने वाली बीमारियों को हम जूनॉटिक कहते हैं, और ये एक डीएनए वायरस के थ्रू होता है जो काफ़ी कुछ सिमिलर है स्मॉल पॉक्स से, और इसको ऑर्थोपॉक्स वायरस कहते हैं, जो पॉक्स विरिटी जो एक फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं, स्मॉल पॉक्स के जैसा ही है, कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स वायरस के जैसा ही होता है ये, क्योंकि स्मॉल पॉक्स आप सबको पता होगा कि इरेडिकेट हो चुका है 1980 में, और तो इसके बाद कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका था। लेकिन जो ये अभी आजकल मंकी पॉक्स के बारे में जो हम सुन रहे हैं, ये एंडेमिक है, मतलब ये होता रहता है अफ्रीकन कंट्रीज में, और इसके दो खास जगह हैं, सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में होता रहता है ये बीमारी। लेकिन क्योंकि अब ये अफ्रीका से बाहर कई कंट्रीज में, अभी जो लेटेस्ट है वो 15 कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है, अभी जो लेटेस्ट है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इसराइल में भी फैल चुका है, तो उसके केसेस रिपोर्ट आ रहे हैं, जो कन्फर्म केसेस मिले हैं मोर देन 100 केसेस आउटसाइड अफ्रीका मिले हैं, इसलिए ये कंसर्न का मैटर है, और इसीलिए WHO इस पर काफ़ी मॉनिटरिंग चल रही है इसके ऊपर, और सारी कंट्रीज में अलर्ट है। बट इसमें कोई ऐसा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो इसके सिम्टम्स हमें जानने होंगे कि ये स्मॉल पॉक्स की तरह ही है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें फीवर होता है, इसमें रैशेज होते हैं, और उसमें जैसे स्मॉल पॉक्स में आपने देखा होगा कि जैसे कि रैशेज के बाद उसकी स्टेजेस होती हैं, वेसिकल्स बन जाते हैं, फिर पस्टूल्स बन जाते हैं, और बाद में स्कैब बन के वो हट जाता है, तो वैसे ही इसमें भी होता है, लेकिन इसमें और स्मॉल पॉक्स में ये फ़र्क है कि इसमें लिम्फ एडेनोपैथी होती है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाती है, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाता है जो उसे स्मॉल पॉक्स से अलग करता है। और दूसरी बात यह कि स्मॉल पॉक्स ज़्यादा फैटल होता है, और इसमें जो केस फेटेलिटी है वो स्मॉल पॉक्स से कम है। अभी तक जो नॉन एंडेमिक कंट्रीज हैं उनमें कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसकी डेथ हुई हो, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये कई कंट्रीज में आया है और इसका कोई रीज़न, ज़्यादातर ये पहले ट्रैवलिंग से जो लोग अफ्रीका में ट्रैवल करते थे उनको होता था, लेकिन आजकल क्योंकि ये नॉन एंडेमिक कंट्रीज में काफ़ी में निकला है, तो इसमें काफ़ी मतलब हम लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और इसके सिम्टम्स यही है कि फीवर हो गया, माइल्जिया, बहुत ज़्यादा बॉडी होता है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, और रैचेस और पेप्यूल्स और ये बन जाते हैं, स्कैब्स बन जाते हैं। और ये पर्सन का जो ट्रांसमिशन है, हमें जानना होगा कि मंकी पॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन जो है वो बेसिकली जो हम फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था ह्यूमन्स में 1970 में, वो अफ्रीका में ही हुआ था, और से कई केसेस अफ्रीका में रिपोर्ट होते रहते हैं, बेसिकली मंकीज में, स्क्विरल्स में और रैट में ये केसेस इसके होते हैं, जो कि जानवर से ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो जाता है, एनिमल टू एनिमल भी होता है और एनिमल टू ह्यूमन भी होता है। लेकिन इसमें एक जान लेने वाली बात ये भी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं या फोमाइट्स होते हैं या जो बॉडी फ्लूइड होते हैं पेशेंट के, अगर उनके कॉन्टैक्ट में कोई आता है तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है हेल्थ केयर वर्कर्स को जो